भरतपुर में अपने ही निजी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट दीपा गुर्जर के साथ चल रहा डॉक्टर संदीप गुप्ता का अफेयर 2 साल में एक मासूम बच्चे सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत की वजह बन गया। दूसरी महिला से नजदीकियों की वजह से हंसते मुस्कुराते 2 परिवार खत्म हो गए। पहले अवैध संबंधों से नाराज डॉक्टर संदीप की पत्नी डॉक्टर सीमा ने आलीशान विला में रह रही दीपा गुर्जर और उसके मासूम बेटे शौर्य को घर में आग लगाकर जिंदा जला डाला। इसके बाद जमानत होने पर जेल से बाहर आ गए। वहीं दूसरी तरफ बहन दीपा गुर्जर और भांजे शौर्य की मौत का बदला लेने के लिए भाई अनुज ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर शुक्रवार को दिनदहाड़े भरतपुर के नामी डॉक्टर संदीप और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता की नीम द गेट के पास ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर डाली। वारदात के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज से सामने आया कि हत्या में शामिल दीपा गुर्जर का भाई अनुज और दूसरा महेश था। दोनों धौलपुर के रहने वाले हैं। हम आपको बताएंगे 2 साल में हंसते मुस्कुराते 2 परिवार कैसे खत्म हो गए। तो सुनिए इनसाइड स्टोरी। धौलपुर की रहने वाली दीपा गुर्जर करीब 6 साल पहले अपने पति से अलगाव के बाद भरतपुर आ गई थी। उसने शहर में ही नामी डॉक्टर सीमा गुप्ता द्वारा संचालित श्रीराम अस्पताल में बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान डॉक्टर सीमा के पति डॉक्टर संदीप और रिसेप्शनिस्ट दीपा से मुलाकात हुई। उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इन संबंधों की भनक डॉक्टर संदीप की पत्नी डॉक्टर सीमा को लगी। अवैध प्रेम संबंधों का संदेह होने पर डॉक्टर सीमा ने दीपा को नौकरी से तुरंत निकलवा दिया। डॉक्टर सीमा ने दीपा को हिदायत भी दी कि वो उनके पति डॉक्टर संदीप से दूर रहे, उनसे मेल मिलाप ना रखें। लेकिन फिर भी डॉक्टर संदीप और दीपा की मुलाकात जारी रही। अब आता है नवंबर 2019, जब दीपा गुर्जर की हत्या के बाद डॉक्टर संदीप गुप्ता के पत्नी आरोपी डॉक्टर सीमा गुप्ता ने पूछताछ में खुलासा किया था कि उन्होंने भरतपुर की सूर्या सिटी जैसी पॉश कॉलोनी में एक बेशकीमती विला खरीदा था। इसमें करीब 9-10 महीने पहले डॉक्टर सीमा के पति डॉक्टर संदीप गुप्ता ने अपनी कथित प्रेमिका दीपा गुर्जर को लाखों रुपए की कीमत का एक विला दिया था। इसमें अत्याधुनिक फर्नीचर और अन्य सामान लगवाए थे जिससे ऐशो आराम में कोई कमी ना है। कथित प्रेमिका दीपा गुर्जर अपने 6 साल के बेटे शौर्य के साथ रह रही थी। डॉक्टर सीमा ने पूछताछ में बताया कि उनके पति संदीप ने ये जानकारी उनसे छिपा कर रखी थी। इसके बाद तैश में आकर डॉक्टर सीमा अपनी सास को लेकर सूर्या सिटी स्थित अपने विला पहुंची, जहां आपसी तकरार के बाद आरोप था कि सीमा गुप्ता ने दीपा और उसके बेटे शौर्य को रसोई घर में बंद कर दिया था। इसके बाद घर में स्पिरिट छिड़क कर आग लगा दी। इससे दीपा गुर्जर और उसके बेटे की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। फिर पुलिस के अनुसार दीपा गुर्जर और शौर्य की जिंदा जलाकर हत्या करने के बाद उसका भाई अनुज बदला लेने की फिराक में था। डॉक्टर संदीप और डॉक्टर सीमा के जेल से बाहर आने पर अनुज ने अपने मामा के लड़के के साथ मिलकर डॉक्टर दंपत्ति की हत्या की योजना बनाई और उनकी रेकी करना शुरू कर दिया। लॉकडाउन में सड़कें सूनी थीं, जिसका फायदा उठाकर अनुज को मौका मिला। वारदात के वक्त 28 मई को शाम 5 बजे डॉक्टर संदीप गुप्ता और उसकी पत्नी सीमा गुप्ता कार से श्री राधा चौराहे की ओर निकले। इस दौरान नीम द गेट के पास 2 बदमाशों ने उनकी गाड़ी के सामने बाइक लगाकर उनको रोक लिया। खुद बाइक से उतरे और कार में मौजूद डॉक्टर संदीप और उनकी पत्नी सीमा को ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।